वीडियो फॉर 3 बेडरूम पार्श्वनाथ। सबसे पहले एंट्री में इसका दिया हुआ है ड्राइंग रूम विद बालकनी एंड डाइनिंग स्पेस लेफ्ट साइड को। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी, काफ़ी वाइड खुली हुई सनलाइटेड बालकनी, प्लस काफ़ी खुला हुआ एरिया है इसके सामने, एकदम ब्यूटीफुल स्पेस। ये सोसाइटी एंट्री गेट हो गया इसका, एंड देन रिटर्न में आपके जाएंगे बेडरूम के, सॉरी ड्राइंग रूम के अंदर। सामने ड्राइंग कम डाइनिंग है, और इधर एक वुडन स्पेस दिया हुआ है, और इधर भी एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाया हुआ है। प्लस ये किचन के सामने का एरिया है जो एंट्रेंस के लिए है बेडरूम्स की। सबसे पहले एक एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है बेडरूम के साथ, और ये इसका एक बेडरूम है जो बाहर से बालकनी आपको दिखाई थी उसी के साथ कनेक्टेड, और इसमें काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन एंड सनलाइट है फ्लैट के अंदर। एंड देन हम रिटर्न में जाएंगे तो आगे बढ़ते हुए 2 बेडरूम से कनेक्ट करेंगे प्लस किचन से। ये इसका किचन है, किचन के साथ भी एक यूटिलिटी बालकनी दी हुई है। ये इसका आपका किचन है टोटल सेमी मॉड्यूलर। लेफ्ट साइड में जब हम एंट्री करेंगे तो मास्टर बेडरूम में जाएंगे। ये इसका मास्टर बेडरूम है, इसके सामने वुडन वर्क। रूम साइज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसका, 15x12 का बेडरूम है। प्लस इसके साथ ये अटैच बाथरूम काफ़ी स्पेशियस दिया हुआ है, स्पेस बड़ा अच्छा है। इधर से मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ, काफ़ी वाइड साइज दिया हुआ है, और इसके साथ एक बालकनी भी है जिसमें ये स्विमिंग पूल फेसिंग बालकनी है। ये सामने में स्विमिंग पूल, और पीछे की जो बालकनी है उससे ये व्यू है खुलाबन, और काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है। और फाइनली हम रिटर्न जाएंगे तो ड्राइंग कम डाइनिंग नज़र आता है सामने में वाइड, इसका काफ़ी अच्छा लार्ज है। एंड देन इसमें भी एंट्री करते हुए अटैच बाथरूम है। सबसे पहले इसका एंट्री के साथ बाथरूम, एंड देन ये आपका बेडरूम, काफ़ी अच्छा वुडन वर्क हो रखा है, मेंटेन फ्लैट है, इसमें भी अच्छा साइज है फ्लैट बेडरूम का। और ये वही बालकनी और ये बेडरूम। थैंक यू।